हेलो लवली स्टूडेंट्स, दिस इज आद्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 9th क्लास का एक नया चैप्टर यानी कि क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये आपके चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटरल्स। तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। सबसे पहली बात, फोर साइडेड पॉलीगन हमारा क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, यानी कि जिस पॉलीगन में चार साइड्स होती हैं वही हमारा पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। ठीक है, फोर साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। दूसरी बात, क्वाड्रिलेटरल में चार इंटीरियर एंगल्स होंगे, सिमिलरली चार एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। इसमें एक यूनिक बात ये है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल्स का सम 360 रहता है और चारों ही एक्सटीरियर एंगल का सम भी 360 रहता है। वैसे तो आपने 8th क्लास में ये प्रॉपर्टी सीखी होगी कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 रहता है। सो क्वाड्रिलेटरल इज ऑल्सो अ पॉलीगन, सो द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज ऑल्सो 360। तो यूनिक बात क्या हुई कि इसके इंटीरियर एंगल्स का सम भी 360 होता है। तो यही एक ऐसा पॉलीगन है, यही एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके इंटीरियर एंगल्स का सम भी 360 होता है और जिसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम भी 360 रहता है। ठीक है, तो हमने ये दो तीन छोटी छोटी बातें सीखी कि चार साइड्स होती हैं, छोटी क्लासेस में सीख कर ही आ रहे हैं, चार इंटीरियर एंगल्स होते हैं, चार एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं और चारों एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 रहता है और चारों इंटीरियर एंगल्स का सम भी 360 रहता है। अब आगे बढ़ते हैं हम ये सीखते हुए कि क्वाड्रिलेटरल के कुछ टाइप्स भी होते हैं। तो इस चैप्टर में हमें सभी टाइप्स पता होने जरूरी हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी पता होनी जरूरी हैं। हालांकि मैंने 8th क्लास की मैथ्स की अपलोडेड वीडियोस में 6 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स की सभी प्रॉपर्टीज वन बाय वन डिफरेंट वीडियोस में उसको डिस्क्राइब किया है, सभी प्रॉपर्टीज को, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूंगी आपके साथ ताकि आपको सभी प्रॉपर्टीज, सभी टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज आप तक पहुंच जाए। तो आप वहां से लिंक को शेयर करेंगे तो आपको सभी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। 6 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, हम एक बार बोर्ड पर लिख लेते हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे वैसे हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस भी करते जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम आज की क्लास में सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है क्लास 9th का, ये उसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, और इसके 6 टाइप होते हैं, 6 टाइप्स होते हैं। ठीक, अब वो 6 टाइप्स क्या होते हैं देखिए। हमारा पहला टाइप होता है पैरेललोग्राम, जिसको शॉर्ट में हम इतना बड़ा नाम बार बार यूज ना करें, टाइम वेस्ट ना हो, तो इसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी है, हम इस तरह से लिखते हैं, पैरेलल का सिंबल बनाकर ग्राफ के लिए जीएम लिख देते हैं। तो आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप हो गया स्क्वायर, जो कि आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं स्क्वायर के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज आपको मालूम भी होगी, एक क्लास भी आपने करी जहां पर प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई थी। फिर आपका आता है रेक्टेंगल, और आपने ऑब्जर्व किया होगा ये सब फोर साइडेड है रेक्टेंगल। ठीक, और इसकी प्रॉपर्टीज भी आप छोटी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है रोम्बस, ठीक, फिर आता है आपका ट्रेपीजियम, और देन आपका आता है काइट। अब कई बच्चों को लगता है कि काइट और रोम्बस एक जैसे हैं, नहीं, थोड़ी सी लुक सेम हो सकती है बट दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं।
लुक समवट सेम है बट एक्चुअली में वो सेम नहीं है. तो काइट और रोम्बस को आपने अलग अलग ही ट्रीट करना है. तो छह टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, वो छह के छह नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और सबकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं. जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं डिस्क्रिप्शन पर इन सभी क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज का लिंक, जो वीडियोस का लिंक है, वो आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आप वहाँ देख सकें और समझ सकें. और हम फिर इस चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे. तो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ आपसे मुलाकात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस चैप्टर को कैसे हमें करना है, कैसे इसकी ज्योमेट्री को सॉल्व करना है. तो तब तक अपना मैथ्स का प्रैक्टिस अपनी करते रहिए और फिर आपसे मिलेंगे. गुड बाय फ्रेंड्स.